नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, तो आज मैं जा रहा हूँ धुलिया और धुलिया का व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी रेडी हो गई है और ये कार है, वो कार लेके हम जाने वाले हैं धुलिया। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और सबसे पहले तो हम जाएंगे नवापुर, नवापुर जाके पेट्रोल डलवाएंगे और उसके बाद में निकलेंगे अब धुलिया। गाइस, तो देख सकते हैं अभी हम पेट्रोल भरवाने के लिए आ गए हैं। अब यहाँ पर 2000 का पेट्रोल भर रहे हैं इस गाड़ी में। तो चलिए अभी यहाँ से हम पेट्रोल भरवा के निकलेंगे धुलिया की तरफ। तो अभी हम हैं नवापुर में और यहाँ से कोई यात्री जो है वो धुलिया जाने वाले हैं, तो उनको लेके जाने वाला हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। तो चलिए अभी हम निकलते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर गाड़ी लगा दी है और अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा घूम लेते हैं। गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक वीरदेवी मंदिर है जो कि धुले में है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर मंदिर देखने को मिल जाता है। मंदिर के सामने अगर हम देखेंगे तो देख सकते हैं भक्त निवास, यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल जाती है जो कि जो भी भक्त आते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर जो नवापुर से यात्री आने वाले थे तो उनको लेकर आया हूँ। यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है ये एक वीरा माता का मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी भक्त आते हैं और मैं भी उन्हीं यात्रियों को लेकर आया हूँ नवापुर से दूर तक। अभी हम थोड़ी देर में जो दर्शन करके निकलेंगे वो यहाँ से निकलेंगे नवापुर के लिए, या फिर वो काम बोलते हैं वहाँ पर जाना पड़ेगा। जब तक यात्री आते हैं तब तक हम यहाँ पर आराम कर लेते हैं और वो आएंगे उसके बाद में हम निकलेंगे नवापुर के लिए। तो जब तक यात्री आते हैं तब तक आराम कर रहे हैं इस कार में और जैसे ही यात्री आएंगे और हम यहाँ से निकलने वाले हैं और यहाँ से घर जाने के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है। जैसे कि आपको मैंने मैप में दिखाया 3 घंटे और 30 मिनट, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि अभी रात हो जाएगी थोड़ी देर।
फाइनली गाइस तो हम नागपुर पहुंच चुके हैं और अभी हम घर पे जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलता है।